एक्सपो सेंटर लाहौर में भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचे और एक्सपो सेंटर वो जगह है जहां वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी नुमाइशों का एहतमाम किया जाता है, लेकिन अब चूंकि क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो इसी सिलसिले में एक्सपो सेंटर के अंदर ये हम देख रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मौजूद हैं, वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हज़ारों बिस्तर जो हैं वो लगाए गए हैं, बेड्स लगाए गए हैं और लोगों को यहाँ पर क्वारंटीन करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में ये सहूलत मुहैया की गई है। वज़ीर आज़म को किस तरह से ब्रीफ किया गया है ये हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं और इंतजामात पर काफ़ी तसल्ली का इजहार किया गया है अयाज आज वज़ीर आज़म की जानिब से जो लाहौर के अंदर इंतजामात हैं। बिल्कुल, सिर्फ लाहौर में नहीं आसमा, आप देखिए कि पूरे पंजाब के अंदर जो इंतजामात किए गए हैं बेसिकली आज वज़ीर आज़म को उस पर ब्रीफ किया गया है जो सूबाई हुकूमत है और इंतजामिया उसके जानिब से। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बाकायदा एक मरतबा फिर जो है हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब की उन्होंने तारीफ भी की, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उस्मान बुज़दार जो है वो सूबे के मामला को संभाल रहे हैं और खासतौर पर कोरोना से निमटने के लिए इकदाम कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। और ये जो एक्सपो सेंटर की हम बात कर रहे हैं आसमा, इसके अंदर जितनी कलील मुद्दत के अंदर ये क्वारंटीना सेंटर कायम किया गया है ये भी हुकूमत की जो एक डेडिकेशन है, हुकूमत की इस वक्त अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। बिल्कुल, जो यास्मीन राशिद जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद वो बहुत ज्यादा हमें काम करते हुए दिखाई दे रही है सेहत को लेकर, क्योंकि जाहिर है उनका शुबा है, डॉक्टर्स को भी उनको साथ लेकर चलना है, डॉक्टर्स की बात भी सुननी है, डॉक्टर्स के